सो वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल क्विक प्रैप। माई नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है 8 नंबर वाले, उन्हें कंटिन्यू रखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन करवाए थे जो 8 मार्क्स से रिलेटेड थे, और आज हम छठे क्वेश्चन से लेकर 10वें क्वेश्चन तक करने वाले हैं। सभी जानकारी आपको फर्स्ट वीडियो में दे दी थी, आई बटन में उसका लिंक आपको आराम से मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो 4 से 5 पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का एक क्वेश्चन भी छूटे 8 नंबर वाला, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। बस जो मैं आपको ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल इन्हें अच्छे तरीके से समझकर याद करके जाए, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपको लिखना है वो आप इन चीज़ों को देखकर फॉलो कर सके। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहता हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। स्टार्टिंग का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बात की गई है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो धर्म सुधार यानी जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुए थे उनके कारणों की आपको चर्चा करनी है। या फिर बच्चों, यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनकी आपको चर्चा करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, जिसके अंदर जिक्र आता है पुनर्जागरण का, यहां से लिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपको ये किस तरीके से टैकल करना है अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत में आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में छोटा सा इंट्रो देना पड़ेगा, जिसमें आपको जिक्र आएगा मार्टिन लूथर का। ठीक है, तो बच्चों धर्म सुधार आंदोलन से अभिप्राय उस आंदोलन से है जिसे जर्मनी के रहने वाले मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च में जो अनुचित रीति रिवाज चल रहे थे उनके विरोध में चलाया था। एक प्रकार से चर्च के अंदर जो करप्शन था ना, वो फैल कुछ ज़्यादा ही गया था, और इसी को देखते हुए जर्मनी के जो स्कॉलर थे मार्टिन लूथर, उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी। अब हुआ क्या कि जो इस आंदोलन के समर्थक थे ना, वह भ्रष्ट परंपराओं को समाप्त करना चाहते थे और सुदृढ़ परंपरा को स्थापित करना चाहते थे, और इसीलिए रोमन चर्च से अलग होकर एक नए प्रोटेस्टेंट की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ये हुआ था कि जो धर्म के अनुयायी थे यानी जो फॉलोवर थे ना, वह दो गुटों में विभाजित हो गए थे। एक जो था वो था कैथोलिक, जो पहले से चलता आ रहा था, और दूसरा जो था वो था प्रोटेस्टेंट, जो कि जर्मनी के स्कॉलर मार्टिन लूथर के नेतृत्व में चलाया गया था। और बाद में यही धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से यूरोप के अन्य देशों में भी फैला। स्विट्जरलैंड में इसे ज्विंगली और फ्रांस में इसे कॉल्विन ने आगे बढ़ाया था। अब हम बात करते हैं इस धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण थे वो कौन कौन से थे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित कारण, तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंटों के बारे में ही चर्चा करनी है। तो हुआ क्या था कि बच्चों, जो मध्यकालीन था ना, उसके अंदर रोमन कैथोलिक चर्च जो था वह पूरे पश्चिमी यूरोप के अंदर अपना प्रभुत्व जमाए हुए बैठा था, और इसका जो सर्वोच्च नेतृत्व था वह पोप के हाथ में हुआ करता था। अब ये जो पॉप था ना, वह पूरी समस्त स्थायी जनता का नेतृत्व करता था, और इस प्रकार जो चर्च की अपार शक्ति थी ना, वो इन्हीं के हाथों में आ गई थी, जिसका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया था, जैसा कि हमें चैप्टर को पढ़ते वक्त जानने को भी मिला था। लेकिन आपने देखा होगा कि पुनर्जागरण का मतलब होता है रिनेंसा, तो ये एक अंधकार के युग से उठकर एक ऐसे युग के अंदर प्रवेश करता है जहाँ पर जो लोग हैं वो धर्म से हटकर तार्किक ज्ञान के ऊपर यानी जो वैज्ञानिक सोच होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। तो इसी आधार पर पुनर्जागरण के फलस्वरूप हुआ क्या कि जो लोग थे ना, वह सामान्य ज्ञान और विवेक के आधार पर जो चर्च का उनके ऊपर ट्रस्ट हुआ करता था उसके अंदर कमी देखने को मिली, और उन्होंने पूजा पाठ सदाचार आदि संगठन की आलोचना यानी कि उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। पॉप की जो शक्ति थी वो असीम थी, वह विभिन्न देशों के पादरियों की नियुक्ति भी करता था और उनकी अपनी एक अलग अदालत भी हुआ करती थी, और यहाँ पे जो पदाधिकारी थे ना, वह राज्य के नियमों से मुक्त थे, उनके ऊपर किसी प्रकार के नियम लागू नहीं होते थे, और साथ ही पोप जो था वह राज्यों के कार्य में इंटरफेयर भी कर पाते थे। और एक बड़ा रीजन ये भी माना जाता है कि जो टैक्स होते थे ना, वह इन्हें नहीं भरने पड़ते थे, यह टैक्स से मुक्त होते थे। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जब राष्ट्रीय नए राज्यों का उदय हुआ,
तो उसमें राजाओं की शक्ति बढ़ी और वह पोप के जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार थे ना उनके ऊपर रोक लगाना चाहते थे, अंकुश लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को गति प्रदान करी, यानी कि वह आंदोलन छोटे से और बड़ा होता चले गया। और धीरे धीरे हुआ क्या, जो वहाँ का व्यापारिक वर्ग था वह भी चर्च के विरुद्ध में आया, वह चाहता था कि जो चर्च की विलुप्त संपत्ति है उसका लाभ उठाए, और चर्च के विरुद्ध उन्होंने किसका समर्थन किया, राजाओं का समर्थन किया, ना कि पॉप का, ठीक है। तो इस आधार पर ये सारा कॉन्क्लूशन ये निकला कि जो पादरी की नैतिक शक्ति थी ना वह पतन की ओर अग्रसर होती चली गई, क्योंकि जनता के अंदर अब आक्रोश था। वह एक ऐसे युग में आ गए थे जो मानववादी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ था, जहाँ पर विज्ञान को लेकर, साहित्य को लेकर इनके ऊपर चर्चा की जाती थी, ना कि जो चर्च होते थे उनके विश्वासों पे, क्योंकि लोग जो थे वहाँ के पादरी जो थे वह सामान्य जनता को बहकावे में रखते थे, और ऐसा ऐसा उनको बताया जाता था कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ का दंड मिलेगा। तो एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग का काम चल रहा था। तो मानववादी विचारधाराओं ने इन सभी को क्या कर दिया, दी एंड कर दिया, और एक ऐसे युग की स्थापना करी जिसे हमने पुनर्जागरण का नाम दिया था, और चैप्टर को समझाते वक्त मैंने इन्हीं के ऊपर सारी चर्चा करी थी। तो इस कारण ये जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके अंदर मार्टिन लूथर का नाम सबसे टॉप पर आता है, और ये जीके में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों अंत में यही होता है कि जो धार्मिक दोष थे ना उनका जो विरोध था वो तो नेचुरल था, स्वाभाविक था होना, जो कि इतना करप्शन जो फैला हुआ था। तो कुछ इस आधार पर इस धार्मिक आंदोलन के कारण निकल कर आए थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की जानकारी देते हुए वहां के मंदिरों के निर्माण और उनके बढ़ते हुए महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन मैं 3 से 4 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर को समझाते वक्त भी, क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर भी, तो ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन भी है, और ऊपर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो ऑलरेडी बन ही जाता है जब मैं इतनी बार आपको बता रहा हूँ तो, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर शुरुआती शहरीकरण की जानकारी के अंदर आपको पता चलेगा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो दक्षिण मेसोपोटामिया था ना वहां पर 5000 ईसा पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था, और इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। यह जो शहर थे वो 3 प्रकार के थे। पहला जो शहर था वो मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ, दूसरे जो शहर थे वो केंद्र व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, तीसरे जो शहर थे वह शाही शहर के रूप में उभर कर आए। और अगर वही बात करें मंदिरों का निर्माण और उनके बढ़ते हुए महत्व के बारे में, तो देखिए बच्चों मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में बाहर से आकर रहने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने स्थानों पर मंदिर बनाना और उनके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सबसे पहले जो ज्ञात मंदिर था वो एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था, और यहाँ पर देवी देवताओं के निवास स्थान हुआ करते थे। इनमें से आपको कुछ देवी देवताओं के नाम भी पता चलेंगे जो 1 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और वो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू वाली सीरीज में आपको बता भी दिया था, जिसके अंदर नाम आता है उरचंद्र देवता का और इन्नाना, जो कि प्रेम एवं युद्ध की देवी हुआ करती थी। बच्चों अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए यानी स्वरूप की, तो देखिए मंदिर जो थे वो ईंट से बनाए जाते थे, आज भी कुछ ऐसा ही है, और साथ ही समय के साथ जो इनका आकार पहले छोटा था ना अब वो बढ़ गया था, यानी कि अब खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे, और जो शुरुआती मंदिर थे वह तो साधारण घरों जैसे ही होते थे, लेकिन कुछ में क्या था कि वहाँ पर उनकी जो दीवारें होती थी वो बाहर की ओर मुड़ी होती थी, ऐसी जो विशेषताएं थी वो साधारण घरों में नहीं देखने को मिलती थी। देवी देवता का ये केंद्र स्थान होते थे, आज भी है, साथ ही देवी देवताओं को कुछ चीजें भी अर्पित किया करते थे लोग, जैसे कि अन्न हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मंदिर के स्वरूप में देखने को मिली थी। और आगे हुआ क्या कि मंदिरों ने अपने काम को और बढ़ा दिया, अब यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगी जो कि व्यापारिक दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जैसे कि अब यहाँ पर व्यापारियों की नियुक्ति भी की जाने लगी। अब लेखन कला का जब विकास हुआ तो सारी चीजें लिखित रूप से आगे के आने वाले समय में भी बचा के रखी जाती थी। यहाँ पर सभी प्रकार का जैसे अन्न हो गया, हल जोतना, पशु, रोटी, जो मछली आदि के आवेदनों का वितरण जो था वो लिखित अभिलेखों में किया जाने लगा। तो इस प्रकार यह एक उत्पादन का केंद्र भी बन गया। तो ये सारी चीजें हमें दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों के क्रियाकलाप में देखने को मिली। तो आई होप कि आपको पहले से भी पता ही होगा, अगर नहीं पता तो अब पता चल चुका होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें।
चलिए बच्चों अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें कहा गया है कि मध्यकालीन यूरोप के समाज पर चर्च के प्रभावों की आपको चर्चा करनी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग यानी कि 3 ऑर्डर से लिया गया है। अब एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, जो 6ठा चैप्टर था उसके अंदर फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद का जिक्र आता है। तो अभी भी जो लोग थे ना यूरोपीय, वह ईसाई तो बन गए थे लेकिन उन्होंने चमत्कार और रीति रिवाज जैसे जुड़े अपने जो पुराने विश्वास थे ना उन्हें पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। अभी भी वह अंधकार के युग में ही जी रहे थे। ये चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिले था, चैप्टर नंबर 7 जब बात आती है पुनर्जागरण की यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा की। तो वहाँ पर लोगों ने मानववादी विचारधारा को अपनाया था, तकनीक के ऊपर, विज्ञान के ऊपर और साहित्य के ऊपर अपना जोर दिया और उन्होंने धर्म से अलग होकर अपने पॉइंट रखे। तो इसी कारण आपको 6ठे चैप्टर के अंदर ये तो देखने को मिल जाएगा कि लोग अभी भी अंधकार के युग में जी रहे थे। तो क्रिसमस और ईस्टर 4वीं शताब्दी में कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर आप जानते हो कि क्रिसमस मनाया जाता है इस दिन। तो इस दिन होता क्या है, जो ईसा मसीह थे जो ईसाइयों के गुरु माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, तो ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। इस तिथि की गणना सौर पंचांग जिसे सोलर कैलेंडर के नाम से जाना जाता है उनके आधार पर की गई थी। अगर बात करें ईस्टर की तो बच्चों ईस्टर ईसा को पुनर्जीवित होने का प्रतीक था और इसकी जो डेट थी ना वो कोई फिक्स नहीं थी, निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसमें चंद्र पंचांग यानी कि लूनार कैलेंडर पर यह आधारित एक प्राचीन त्यौहार का इसने स्थान लिया था। तो आप जानते हैं कि ईस्टर जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है तो उसका स्थान पहले से ले लिया गया था। तो ये जो प्राचीन त्यौहार था ना वह लंबी सर्दी के बाद बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। एक परंपरा के अनुसार उस दिन हर एक गांव के प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म अपनाने पर भी उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा लेकिन अब वह गाँव के स्थान पर उसे पैरिश के नाम से कहने लगे थे। तो पैरिश को मैंने 1 मार्क का जो MCQ है उसके अंदर आपको बता भी रखा है, ठीक है। अगर बात करें इनके महत्व की त्योहारों के, तो काम से दबे जो कृषक थे वो इन पवित्र दिनों पर छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था लेकिन लोग जो थे वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए जाया करते थे और साथ ही तीर्थ यात्राओं में ईसाइयों के ये जीवन की एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करती थी। लोग बहुत से शहीदों की समाधियों या फिर बड़े बड़े जो गिरजाघर होते थे ना वहाँ की लंबी यात्रा पर निकला भी करते थे। तो इस प्रकार हमें कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का है। तो देखिए कितना एक्सप्लेनेशन के साथ, पहले हेडिंग और उसके पॉइंट, फिर हेडिंग, फिर उसके पॉइंट, फिर हेडिंग, उसके पॉइंट। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगाते हैं और एग्जामिनर्स को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि बच्चा वाकई में कुछ अच्छी चीज लिख कर आए, तभी उसे वो 8 में से काफी अच्छे नंबर देता है, 7 या 7.5 के आसपास। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से ये भी जरूर समझ आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें कहा गया कि अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, उमैद वंश के पतन तथा अब्बासी वंश की स्थापना के संदर्भ में आपको इसकी जानकारी देनी है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है और बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है, चैप्टर को समझाते वक्त भी, MCQ की सीरीज में भी इसका जिक्र आया था और साथ ही जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज का एपिसोड 1 कराया था उसके अंदर भी मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा लेकिन इसका ओवरव्यू जरूर दूंगा ताकि आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाए। तो बच्चों अब्बासी क्रांति को जानने से पहले आपको इसका शुरुआती चरण जानना जरूरी है। तो हुआ क्या था कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 था रोमन साम्राज्य वाला, तो जब उसका पतन हुआ था तो उसमें हमने ये जाना था कि जो मध्य एशिया है ना उसके अंदर एक ऐसे नए धर्म का उदय हुआ था जिसे आज के समय इस्लाम के नाम से जाना जाता है और इनके जो प्रचारक थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी जिन्हें प्रोफेट मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब हुआ क्या था कि जब हज़रत मोहम्मद साहब इस दुनिया से चले गए तो उनके बाद इस्लाम धर्म की जो नींव थी ना वो खलीफाओं ने रखी थी। खलीफाओं को पिलर कहा जाता था इस्लाम धर्म का। तो कितने खलीफा थे, 4 खलीफा थे। उनके नाम कुछ इस प्रकार के थे, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और आखिरी जो खलीफा थे उनका नाम था हज़रत अली। तो 4थे खलीफा के बाद जो स्थान लिया था वह उमैद वंश ने लिया था। और बच्चों ये जो उमैद वंश था ना वो इस्लामिक तौर पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो इसी कारण दवा नाम का एक आंदोलन चलाया गया था अब्बासियों के द्वारा। इसके अंदर उमैद वंश को उखाड़ फेंका और इसका जो स्थान था वो 750 AD में
अब्बासियों ने ले लिया था और इसे ही अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया था। और इनकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी की सारी आपको आराम से मिल जाएगी। तो जो शुरुआती जो ओवरव्यू देना था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे और इनकी सफलता को आपको अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ बच्चों, आपका अपना चैनल क्विक प्रेप का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर 1000 से बच्चे ज़्यादा ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये जो ग्रुप है वो एब्सोल्युटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के और अपडेट भी आपको मिलते रहती है कि कब मैं वीडियो डालने वाला हूँ और कौन सी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लिंक से नहीं कर पाते तो आप टेलीग्राम में सर्च जो बार है वहां पर क्विक प्रेप लिखोगे तब भी हमारा इस कलर का जो आइकॉन है वो आ जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में आज के सीरीज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें बात की गई है कि परिवर्ती पूरा काल से क्या अभिप्राय है। इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे। तो ये क्वेश्चन को भी मैंने चैप्टर समझाते हुए आपको काफ़ी डिटेल में बताया भी था, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ और साथ ही बता देता हूँ कि कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे और किनके द्वारा करवाए गए थे, ये जानकारी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो परिवर्ती पूरा शब्द का जो प्रयोग था वो रोमन साम्राज्य के लिए 4वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया गया था और ये समय अनेक सांस्कृतिक तथा आर्थिक हलचलों से भरा हुआ था। और इस काल में रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिले थे। अगर बात करें धार्मिक परिवर्तन की तो 4वीं शताब्दी में जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया और इसके बाद राज्य का तेजी से ईसाईकरण होने लगा, यहाँ पर जो लोग थे वो ईसाई धर्म को ज़्यादा अपनाने लगे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय भी हुआ था मध्य एशिया के अंदर और ये धर्म भी काफ़ी तेजी से फैला था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 3 रोमन साम्राज्य से लिया गया और अगला ही लेसन आपका इस्लाम धर्म का उदय है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको अब्बासी क्रांति वाले टॉपिक में जिक्र कर दिया था। अगर बात करें यहाँ पर प्रशासनिक परिवर्तन की, वो दो प्रकार के थे, पहला जो था वो था सम्राट डायोक्लेशियन के समय और दूसरा जो था वो था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन वही थे जिन्होंने सोलिडस नाम का एक सिक्का भी जारी किया था। तो इनकी जो जानकारी है आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी थी, ठीक है बच्चों। तो ये जो था वो परिवर्ती पूरा काल के समय हमें परिवर्तन देखने को मिले थे धार्मिक और प्रशासनिक आधार पर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे, मैंने अंदर की डिटेल नहीं बताई है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी आप बच्चों के साथ, और अगर आप पढ़ोगे भी ना तब भी आपको आसानी से वो समझ आ जाएगी जिन बच्चों ने चैप्टर की वीडियो अच्छे से देख रखी है। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक कवर करवाऊंगा। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो अदर कोर्स है हमारे, कॉन्टेंट से रिलेटेड एमसीक्यू वाले या फिर हैंड रिटन नोट्स हो गए, वो सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार आप जरूर अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।